All in machine learning playlist, today we are going to discuss about the a priori algorithm. So what is it? Actually क्या है कि ये एक concept है association rule mining. उसके अंदर algorithm आती है अपनी a priori algorithm. तो how it does work? Simply देखो, it uses the frequent items. ये चीज़ याद रखना, frequent items to generate association rules. अपन को at the end क्या करना है, association rules generate करने हैं algorithm के through, ताकि अपन association rule mining कर सके. तो उसके लिए हमें rules generate करने के लिए हमें क्या चाहिए, a priori algorithm चाहिए. It is designed to work on a database that contain transaction. तो जो अपन डेटाबेस है वो क्या कंटेन करेंगे, ट्रांजेक्शंस कंटेन करेंगे. अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना. एक बात कर दूं कि एप्रियोर एल्गोरिथम यूजेस द बीएफएस यानी ब्रेड फर्स्ट सर्च एंड द हाईएस्ट ट्री टू कैलकुलेट द योर आइटम सेट एसोसिएशन एफिशिएंटली. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंट आइटम्स. देखिए, फ्रीक्वेंट आइटम कुछ ही नहीं है. दीज आर दोज आइटम्स हुज सपोर्ट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. यानी आपको क्वेश्चन के अंदर थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होगी, उससे ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा. सपोर्ट एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो आप जैसे डायरेक्टली देखना चाहो कैसे निकाले फ्रीक्वेंट आइटम सेट, तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है या 2, 3. आपको देखना है कि यहाँ पर कॉमन चीज़ है 2, 3, 2, 3. तो 2 and 3 आर योर फ्रीक्वेंट आइटम सेट. सिंपली आपको इसे याद रखना है कि हुज सपोर्ट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू. अब देखिए, इसके आते हैं अपन डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर, जो एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए, इसको करने के लिए 4 रूल हैं. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट को डिटरमाइन करना होगा सबका, फिर मिनिमम सपोर्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सभी का ट्रांजिशन निकालना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. इसको अपन करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. तो क्वेश्चन इज गिवन, देखो आपको मिनिमम सपोर्ट गिवन है कि 2 है एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना है 50% है. अब आपको एप्रियोरी एल्गोरिथम को यूज़ करके ये सारा टेबल से इंप्लीमेंट करना है. ये टेबल अपन को गिवन है, ठीक है. सिंपली फर्स्ट वन अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं C1 एंड L1. अब C1 क्या होता है, ये होता है कि कैंडिडेट सेट, और L1 जो होता है आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट होता है, ठीक है. दोनों चीज़ याद रखना, कैंडिडेट सेट एंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट को L से डिनोट करते हैं. तो ये L1 एंड C1. इसमें अपन क्या करेंगे, आइटम सेट कौन कौन से हमारे पास, A है, B है, C है, D है एंड E है. तो इनको देखना है कि आपको सबसे पहले C1 को कैसे बनाया जाता है. तो ये देखिए, ये चीज़ है C1, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें पूरा. A की वैल्यू मैंने 6 क्यों लिखी है, तो यहाँ पे आ जाओ टेबल में, A कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम आ गया. बी कितनी टाइम आया, 7, काउंट कर लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसी प्रकार सी डी ई की वैल्यू आई थिंक आप आसानी से टेबल में से देख के लिख सकते हो. ये वो टेबल है जो लास्ट में भी आप अगर स्टेप 4 भी करोगे ना, तब भी ये टेबल काम आएगी. आपको बताऊंगा क्यों आएगी. जी आप यहाँ पर C1 आसानी से कैलकुलेट करते हो, ए बी सी डी की वैल्यू सपोर्ट काउंट मिल गया 6, 7, 5, 2, 1, ठीक है. अब मेरे को बताओ आपका मिनिमम सपोर्ट कितना था, 2 था. तो यानी 2 या 2 से बड़ी चीज़ को अपन को इंक्लूड करना है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर दो. तो अब ये कैसे होगा, ये ऐसा होगा कि ऑल द आइटम सेट्स हैव ग्रेटर और इक्वल देन मिनी सपोर्ट. तो उन सबको कंसीडर करना है, बाकी सबको हटा देना है. किसमें, L1 में, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट में. तो ए बी सी डी की वैल्यू देखो तो 2, 5, 7, 6, जबकि ई की वैल्यू 1 थी, जो क्या थी, लेस देन मिनी सपोर्ट थी, इसलिए मैंने ई को इंक्लूड इसमें नहीं किया. तो मेरा L1 यहाँ पे ये सिंपली बन जाता है. अब इसी प्रकार दोबारा मैं करूँगा, आप कैंडिडेट जनरेशन C2 एंड L2, इसके अंदर क्या करोगे, आपको C2 कैसे निकालना है, L1 को देख के, ना कि इसको. C2 कैसे निकलेगा, L1 को देख के. अब L1 में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को पेयर बनाने हैं, यानी A का B से, A का C से, A का D से, B का C से, B का D से एंड C का D से. इतने पेयर बन सकते हैं क्या, और कोई पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता. आप खुद कर सकते हो, पेयर बना सकते हो आसानी से 2 का. तो यहाँ पर मेरे 6 पेयर काउंटली बन जाते हैं. अब आपको ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो देखिए ये वैल्यू भी आपको फर्स्ट जो आपकी टेबल थी ना, उसके अंदर देखो ए बी कितनी बार आया, एक साथ ए बी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. ए सी की वैल्यू बताओ मुझे, आपका 1 टाइम, 2 टाइम, ए और सी 3 टाइम, ए और सी 4 टाइम. तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ गई 4. इसी प्रकार ए डी की, बी सी की, बी डी की, सी डी की वैल्यू आई थिंक आप सब निकाल सकते हो. तो ये सपोर्ट काउंट की वैल्यू मेरे को मिल जाती है. सी डी की वैल्यू उसमें थी नहीं टेबल में अपनी गिवन में, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई. अब आपको यहाँ से C2 से L2 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि मिनिमम सपोर्ट के इक्वल या ग्रेटर देन वैल्यू को कंसीडर करना है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देना है. यानी कि 2 से इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो. तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा. 1 और 0 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि ये लेस देन मिनिमम सपोर्ट है. तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारी वैल्यू ए बी ए सी बी डी बी सी एंड बी डी, तो 4, 4, 4, 2 आ गई. इनको हमेशा याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाने की कोशिश करें. अब अपन बात करेंगे कैंडिडेट जनरेशन C3 एंड L3, यानी कि 3 का कॉम्बिनेशन लेते हो. देखो ए बी सी, इसी प्रकार बी सी डी है ना, ए सी डी, राइट. एक आप क्या कर सकते हो, ए बी
ए बी एंड डी ले सकते हो। तो आपके यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4। इसके अलावा कुछ बन सके तो आप बना देना, मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो ए बी सी हो गया आपका, एक बी सी डी हो गया, एक ए सी डी हो गया, ए बी डी हो गया। तो इन सबकी वैल्यू आप किसे निकालोगे, वापस वो पुरानी वाली टेबल में आ जाओ। इस टेबल में देखो कि सबसे पहले क्या था अपना ए बी सी, तो देखो ए बी सी कितने टाइम आया, 1 टाइम 2 टाइम, तो उसमें सपोर्ट काउंट की वैल्यू आ गई 2 आ गई। बी सी डी ढूंढो, बी सी डी, तो बी सी डी अगर अपन देखें तो यहाँ पर बी सी डी की वैल्यू मेरे को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे बी सी डी की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर देखूँ ए बी डी है क्या मेरा, हाँ ए बी डी है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब ए सी डी है क्या, कहाँ पर ए सी डी नहीं है, तो यहाँ पर टेबल में क्या आ जाता है, बी सी डी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 0 है और ए बी डी की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब मिनिमम सपोर्ट क्या है अपना 2, यानी 2 के इक्वल है, उसे ग्रेटर देन वैल्यू कंसीडर करना है। तो हमारा एक ही है इसके अंदर आइटम सेट, कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी सी वाला पेयर जो है वही बनेगा केवल अपना लास्ट L3, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाता है सपोर्ट काउंट की वैल्यू कितनी है, 2। ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने सारे ग्रुप बना लिए। अब और फर्दर ग्रुप बन सकता है क्या, एक ही आ गया आइटम, अब तो और बन ही नहीं सकता ना, वरना अपन पेयर करके और बना देते, लेकिन नहीं बन सकता क्योंकि एक ही आइटम बचा है। तो ये लास्ट बन गया। अब अपन को फाइनली एसोसिएशन रूल कंसीडर करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, मैंने बताया था आपको पिछली एसोसिएशन रूल माइनिंग वाली वीडियो में, जिसमें था सब ऑफ ए की पावर बी अपॉन में ए, ठीक है। ये ए नहीं है, ये है सब ऑफ, सबका यहाँ पर है सपोर्ट ऑफ ए, सपोर्ट ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए बी सी में आपको कंक्लूजन निकालना है कि ए और बी हो तो सी बनेगा, बी और सी हो तो ए बनेगा, ए और सी हो तो बी बनेगा। इस प्रकार से आपको रूल्स बना के चलने हैं। तो ये रूल्स यहीं से निकले हैं, ध्यान से समझना। जैसे ए और बी अगर करते हैं तो रिजल्टेंट सी निकलेगा, सपोर्ट वैल्यू 2 ही आएगी सबकी, क्योंकि यहाँ पर देख लो सपोर्ट की वैल्यू हमेशा 2 ही है। तो आपको इसको चेंज करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो रूल्स अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है कि ए अगर बी की ओर जा रहा है, ठीक है, तब अपन क्या करते हैं, ए का पावर कर देते हैं बी के साथ, एंड ये जो वाला स्टार फर्स्ट वाला होता है उसको सपोर्ट ए नीचे ले लेते हैं। तो यही चीज़ करेंगे अपन इसके अंदर भी। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये पूरा ए है कंसीडर करो, ये पूरा बी है, ठीक है। तो ये पूरा ए पावर, ये आपका सी आ गया, तो ये पूरा ऊपर वाला बन गया। अब नीचे वाले में क्या है, सपोर्ट ऑफ ए, ए क्या है मेरा, ए पावर बी, तो ए पावर बी आ गया, आया समझ में। अब देखो ए बी सी की वैल्यू क्या निकली थी, 2 निकली थी, लेकिन ए और बी दोनों साथ में थे तब क्या वैल्यू निकली थी, ये आप चेक कर सकते हो अपनी टेबल में। ए बी आया था जब मेरा, तो सपोर्ट वेक्टर सपोर्ट काउंट कितना था, 4 था, तो यहाँ पे हो गया 2/4, उसकी वैल्यू निकलती है 50%, ठीक है। इसी प्रकार बी और सी का करेंगे तो सपोर्ट ऑफ बी पावर सी पावर ए, सपोर्ट बी पावर सी, ठीक है। तो इन तीनों को देख साथ करेंगे तो सपोर्ट की वैल्यू 2 आ जाती है, और इसकी वैल्यू बी सी की देखें तो यहाँ पर 4 है, तो अगेन 2/4 50%। ए और सी के केस में देखो तो यहाँ पर अगेन वही आ जाता है 50%। अब जस्ट इसको उल्टा कर दे कि सी यहाँ पर हो और अपन को रिजल्ट में क्या मिले, ए पावर बी, तो इस केस में वही 2, लेकिन इस बार सी पावर ए पावर बी, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, इस बार लेफ्ट वाला आता है हमेशा, तो ये सी आ गया। अब ओनली सी की वैल्यू देखनी है तो आपको कोई पुरानी टेबल में जाना होगा जिसमें सी की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 5, ठीक है, ओनली सी की वैल्यू। तो ओनली सी की वैल्यू 5 थी, तो ऊपर तो 2 ही था, तो 2/5, तो 40% यहाँ पे निकल गया। इसी प्रकार इसके साथ किया तो इस बार नीचे ए आ गया। अब मेरी ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो 2/6, तो आंसर निकला 33.33%। अब बी को इससे करेंगे तो 2/, अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू मेरी थी यहाँ पर 7 थी, ठीक है, सिंगल बी की, तो यहाँ पर सपोर्ट ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 7, और इसकी पूरे की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 2, राइट। एक सेकेंड, मैं यहीं पर कन्फ्यूज़ हो रहा था, ये ए है सर, मैं देखा यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो यहाँ 4 आना चाहिए ना बी सी के केस में, क्योंकि यहाँ पर देखो बी बी सी है, तो बी सी तो एक्चुअली में, तो यहाँ पर वैल्यू 4 होनी चाहिए बी सी के बजे में, बट एक्चुअल में यहाँ पर ए है, क्योंकि अपन ने जस्ट इनको तीन को रिवर्सित किया नीचे। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों है, तो यहाँ पर वैल्यू सपोर्ट की 2 हो जाती है, तो 2/7 विच इज इक्वल टू 28%। बट मैंने एक रूल बताया कि आफ्टर कैलकुलेटिंग अपन क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को बाहर कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे कुछ रूल को, जिसका वैल्यू क्या होगा, थ्रेशहोल्ड से कम है, जो अपन को गिवन था अपने क्वेश्चन के अंदर 50%, उससे कम है उनका आउट कर दो। तो कम कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला है, बाकी तीनों 50% है। तो ये तीनों रूल एसोसिएशन रूल के लिए एकदम करेक्ट है। तो अपन कह सकते हैं सो द फर्स्ट 3 रूल्स, ये वाले, कैन बी कंसिडर एज द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो अपनी जो प्रॉब्लम गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये तीनों रूल अपने सही है एकदम। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर एल्गोरिथम को यूज करके एसोसिएशन रूल्स को फाइंड आउट कर लिया, जो अपने काम आएंगे आगे एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर। होप सो आपको पूरा समझ में आएगा प्रोसेस, स्टेप 1, 2, 3, 4 कैसे निकाल दे, कैसे पेयरिंग हो रही है, और कैसे अपन इन चीज़ों को निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की कोशिश करो, मैं इसकी PDF भी आपको बना के दे दूंगा, आप मेरे को जस्ट कमेंट में बता देना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।